एक्स का वैल्यू 0 और 1 जीरो और वन आ रहा है क्या? ही आएगा। यस सर। बिल्कुल गलत है बेटा। सर इसमें जो ये बेस है ये ग्रेटर देन 0 और 1 मान के ही करेंगे ना सर। वन आएगा, पॉसिबल होगा क्या सॉल्यूशन? नो सर। अच्छा हाँ 0 और 1 पे तो वो बेस होते ही नहीं। ओके जैसे इसको सॉल्व करोगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स टू द पावर जीरो। अब एक्स टू द पावर जीरो को एक बार क्लियर करने का कंसिस्टेंट लिया दैट इज वन, तो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू वन, तो कैंसिल आउट हुआ, हो गया एक्स एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। ओके तो यहाँ से एक्स का वैल्यू आया, एक तो एक्स का वैल्यू आया जीरो एंड सेकंड वन इज एक्स इज इक्वल टू वन। ओके जैसे अपन जीरो कंसिडर करेंगे तो लॉग का नंबर तो पॉजिटिव हो जाएगा लेकिन बेस क्या हो जाएगा? x is equal to 0 is not possible, not possible. क्यों नहीं possible होगा? क्योंकि अपना जो भी base है वो क्या नहीं हो सकता? 0 नहीं हो सकता, 1 भी नहीं हो सकता। क्लियर है वाली बात? x is equal to 1 is also not possible because जो भी base है वो क्या नहीं हो सकता? 1 भी नहीं हो सकता, क्योंकि अपने को तो एक्चुअल में सॉल्यूशन जो फाइंड आउट करने हैं वो इस इक्वेशन के सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं। तो अपन ने क्या किया, जो भी चेंजेस किए उसके बाद जो भी अपने पास रिजल्ट आया फाइनली x is equal to 0 आया, लेकिन x is equal to 0 जब मैं इसमें सब्स्टिट्यूट करने के बाद उसका वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करूंगा तो वैल्यू आएगा ही नहीं उसका कुछ भी, क्योंकि यहाँ पे x का वैल्यू जैसे 0 पुट करोगे तो बेस 0 हो गया। अब 0 टू द पावर ऐसा क्या लगा देगी 1 बन जाएगा, नॉट पॉसिबल। सिमिलर x is equal to 1 जब पुट करोगे तो भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। यस सर। बड़े आगे? यस सर। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन इज a is equals to given है, capital A जो है equals to given है, log base given है 11 और number given है 11 to the power log 11 और इसका number जो है वो given है 1331। okay similar b का वैल्यू गिवन अपने पास 9 टू द पावर 1 अपॉन log 1 अपॉन log 9 बेस 5, 9 टू द बेस 5 ये b गिवन है। c गिवन है अपने पास 2 टू द पावर, c गिवन है 2 टू द पावर log 30 बेस 2 and minus 1, okay, then find a plus b is divided by c. क्या आएगा बेटा?
सर 8/15 नहीं गलत है बेटा, ए का वैल्यू क्या आया, द वैल्यू ऑफ ए, ए का वैल्यू 3 आया सर। ए का वैल्यू 3 आ रहा है क्या? यस सर। यस सर। और बी का वैल्यू 5 आ रहा है। बी का वैल्यू 5 ओके। और सी का आ रहा है 15 ओके। सी का वैल्यू आ रहा है 15 नहीं भाई, शायद सी का वैल्यू फिक्स नहीं फाइंड आउट किया तुम लोगों ने। ये हो जाएगा अपने पास, इसकी बात करें अगर पहले ये नंबर और इस नंबर की पावर log 1331 टू द बेस 11, तो इसका वैल्यू प्रॉपर्टी नंबर 10 से कितना हो जाएगा, log ये हो जाएगा इसका वैल्यू और बेस गिवन है 11, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 11 टू द पावर कितना 3 यस सर, बेस 11, तो इसका वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगा, 3 के इक्वल आ जाएगा बेटा, यस और नो? यस सर, यस सर। ओके, नेक्स्ट इसकी बात अगर अपन करें तो यहाँ पे ये देखो भाई, ये जो भी 1 अपॉन में लिखा हुआ है, इसको जैसे ही रेसिप्रोकल करोगे तो ये दोनों क्या हो जाएगा, इंटरचेंज, 9 का पावर हो जाएगा log 5 बेस कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा बेटा, यहाँ पे भी ये दोनों सेम हो गए, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा बेटा, ओके। नेक्स्ट इसकी वैल्यू की अगर अपन बात करें तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा बेटा, 2 टू द पावर ही हो जाएगा log 30 बेस हो जाएगा, और इनटू 2 टू द पावर कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, तभी तो ये क्या हुआ, बेस जब सेम हुए तभी तो ये पावर साइड होकर ये बन गया, क्लियर है वाली बात बेटा? यस सर। यस सर। ये फिर से एक कंडीशन बन रही है, नंबर और ये बेस दोनों सेम हो रहे हैं तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 30, और 2 टू द पावर -1 का मतलब कितना हुआ 1/2, दैट इज 15, तो ए का वैल्यू आया 3, बी का वैल्यू 5 और सी का वैल्यू 15, तो ए प्लस 15 बी डिवाइडेड बाय सी का वैल्यू क्या आ जाएगा, 8/15। बिल्कुल गलत बेटा, बचपन के दिन भूल गए लगता है तुम लोग, अच्छा पहले डिवाइड हो, अच्छा हाँ, जब तुम बचपन में छोटे छोटे बच्चे थे तो उस टाइम में तुम लोगों को क्या बोला गया था कि बेटा फोर्मास का रूल होता है, नहीं क्या सर, सबसे आएगा 5/6 आएगा, फिर उसके बाद डिवाइड मल्टीप्लाई फिर प्लस या माइनस, है ना, 5/6 याद आया कुछ? यस सर। फर्स्ट ऑफ ऑल डिवाइड को सॉल्व करना है, देखो ये हो जाएगा 3 प्लस बी का वैल्यू कितना भाई 5 इज डिवाइडेड बाय 15, तो ये कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 3 प्लस 5 इज डिवाइडेड बाय 15, पहले डिवाइड करना है, तो ये हो जाएगा कितना भाई 3 प्लस 1/3 दैट इज इक्वल्स टू 10/3। आ रही बात समझ में? यस सर। ओके सर, वो सी की वैल्यू कैसे निकाली वो समझ नहीं आया, सी का वैल्यू बेटा ए टू द पावर एक्स प्लस वाई अगर लिखा हुआ है तो इसको मैं ए टू द पावर एक्स इनटू ए टू द पावर वाई लिख सकता हूँ बेटा, क्योंकि देखो हाँ बेस सेम था तभी तो पावर साइड होती है, तभी तो पावर साइड होकर के ऐसा लिखा होगा अपन ने, हाँ सर, दैट मीन्स यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ये मान लो एक्स है और वाई का वैल्यू जो है कितना -1 है यहाँ पे, That means 2 to the power ये हो गया और 2 to the power -1 हो गया, तभी तो इन दोनों को ऐड करोगे तो log 30 base 2 minus 1 ही तो होगा। अच्छा ठीक है सर। तो बस फिर इसको तो as it is जैसा ही है, इसको किया है जैसे इसमें किया है, भाई सिमिलर इसमें बोल दिया अपन ने प्रॉपर्टी नंबर 10 से, और ये 2 to the power -1 कितना होगा 1/2, तो इसका वैल्यू 30 is multiplied by 1/2 that is 30/2 and equals to 15, clear बेटा? हाँ सर। ओके चलिए, ओके, तो बाकी की कहानी देखेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सब लोग अपना अपना ध्यान रखो, मस्त रहो, व्यस्त रहो, बढ़िया से पढ़ाई करते रहो, ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सर, बाय, आज मॉड्यूल मिल जाएगा तुम लोगों को, ओके, ओके सर, ओके सर, जो उसका एक्सरसाइज फर्स्ट है उसके क्वेश्चंस करने हैं तुम्हें 1 2 20, ओके।
यस सर ओके ये तुम्हारा होमवर्क ओके सर बाय सर यस सर बाय सर बाय सर